गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। फ्रॉम द सम ऑफ 2/3 एंड -7/9 सब्ट्रैक्ट 1/4। वो कह रहा है कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनको तो प्लस करना है, और जो प्लस करके इन दोनों का आएगा उसमें से ये वाली 1/4 जो फ्रैक्शन है इसको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो 2/3 एंड -7/9 है इसको हमें प्लस करना है। तो 2/3 एंड की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्लस और -7/9। फिर है 2/3 चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे हमारे -7/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम अलग अलग हैं तो इनका एलसीएम लेंगे 3 और 9 का। तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, और 3 वन ऐसे रहेगा 3 वन जा 3, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 3 3 जा 9, एलसीएम आ गया हमारा 9। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होते हैं, हमारा एलसीएम 9 आ गया। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 में करेंगे, 3 2 जा 6। फिर है माइनस, माइनस आ जाएगा। अब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 7 में, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 7 हमारे माइनस के हैं, 6 हमारे प्लस के हैं। तो 7 माइनस के बड़े हैं, 6 प्लस के छोटे हैं। तो 7 माइनस में, माइनस 7 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 1/9। 1/9 आ गया हमारा। अब वो कह रहा है जो प्लस करके आया उसमें से जो हमारा 1/4 है उसको माइनस करना है। तो माइनस के 1/9 में से माइनस करना है 1/4 को। अब 1/9 है हमारा, ये 9 और 4 का एलसीएम लेंगे। 9 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, 2 से 9 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, 3 से 3 3 जा 9, 1 ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, 1 ऐसे रहेगा। तो कितना एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया हमारा एलसीएम। अब 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 जा 4, माइनस के हैं, माइनस के 4। अब माइनस से माइनस, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 9 आ गए, 9 की मल्टीप्लाई 1 में, 9 1 जा 9। ठीक है, अब ये दोनों हमारे संख्या माइनस माइनस के, माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं, पर चिन्ह माइनस के ही रहता है। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, इन्हें प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 प्लस हो गए, पर चिन्ह माइनस के रहेगा, माइनस के 13 और अपॉन में 36। ठीक है, ऐसे करना था, ये आ गया हमारा आंसर। जो हमारे दो फ्रैक्शन थे ये 2/3 -7/9, इनको प्लस करना है, प्लस करके हमारा -1/9 आया। फिर बोल रहा था जो प्लस करके आया उसमें से 1/4 को माइनस करना है, तो जो हमारा ये आया प्लस करके इसमें से 1/4 को माइनस करते हैं आपको माइनस, तो इसका आंसर आया ये -13/36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। हमें कह रहा है कि -1 में कितना ऐड करें कि 5/7 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हमें जो प्राप्त है वो है 5/7, और जो जिसमें ऐड करना था वो -1 है। तो जो 5/7 है हमारा, 5/7 में से माइनस कर देंगे -1 को, -1 अपॉन, अपॉन में इसका कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे 1। ठीक है, अब 5/7 है, माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस 1/1। ठीक है,
अब 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 से 7 वन से 7 वन ऐसे रहेगा, तो 7 ही एलसीएम आया। कितना एलसीएम आया हमारा, 7। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 बन जा 5, प्लस है प्लस। अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 में, 7 बन जा 7। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस। 7 और 5 कितने होते हैं हमारे, 12, अपॉन में क्या है 7, तो क्या आ गया हमारा आंसर 12/7। ये है हमारा आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -6/7 एंड -4/14। वो कह रहा है -6/7 एंड -4/14 को प्लस करना है एंड फ्रॉम द सम ऑफ 1/2 एंड -2/7, और 1/2 एंड -2/7 को प्लस करना है। इसको भी प्लस, इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करना है इनको, और जो दोनों तरफ प्लस कर गया उसमें फिर माइनस करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 10। -6/7 प्लस -4/14 एंड -6/7 एंड -4/14, इसको पहले प्लस करेंगे इनको, तो -6/7 एंड की जगह यहाँ पर जाएगा प्लस और -4/14। अब चेंज करेंगे इनके, -6/7 ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएंगे -4/14। ठीक है, अब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम, तो 2 से 7 ऐसे रहेगा, 2 7 जा 14, 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 7 2 जा 14, एलसीएम आ गया हमारा 14। अब 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 6 में, 6 2 जा 12, माइनस की 12, माइनस है माइनस। 14 से 14 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 बन जा 4, ये आ गया हमारा। अब माइनस 12 भी हमारे माइनस के हैं, 4 भी माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पर चिन्ह माइनस के रहता है। अब इनको प्लस करेंगे, 12 और 4 हो जाएंगे हमारे 16, माइनस के अपॉन में 14, ये आ गया। कह रहा था -6/7 एंड -4/14 को प्लस करो, इनको प्लस करके हमारा आंसर आ गया -16/14। फिर कह रहा है वो 1/2 एंड -2/7 को भी प्लस करना है, वन अपॉन टू एंड -2/7 इसको प्लस करना है, तो 1/2 एंड जो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और -2/7। अब चिन्ह चेंज करेंगे इनका, 1/2 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2/7, 1/2 माइनस 2/7 है। अब 7 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे हम, 2 1 2 7 ऐसे रहेगा, फिर 7 का 1 7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14, 14 आ गया एलसीएम। अब 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 में, एलसीएम का क्या हमारा 14 आ गया। अब 2 से 14 को डिवाइड करा, 7 आया, 7 की मल्टीप्लाई 1 में, 7 1 जा 7, माइनस है माइनस। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 जा 4। अब 7 हमारा प्लस का है, 4 हमारा माइनस का है, 7 में से 4 गई 3/14, ये आ गया आंसर। अब बोल रहा था वो कि इसको इन दोनों को प्लस करना और इन दोनों को प्लस करके जो आए फिर उन्हें माइनस करना, तो इस वाले में से इसको माइनस करना है। इसका आंसर आया
अब 3/14 में से हमें माइनस करना है इसके आंसर को, -16/14 को माइनस करना है, -16/14 को। अब 3/14 है, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस 16/14। एलसीएम सेम है, 14 3 प्लस 16, 16 और 3 हो जाएंगे हमारे प्लस करके 19/14। अब 14 नीचे छोटी संख्या है, ऊपर बड़ी है, तो 14 से 19 को डिवाइड करेंगे हम, 14 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 14 बन जा 14, 5 बचा, तो ये 1 तो यहाँ पर आ जाएगा, 5 ऊपर और अपॉन में 14, 1/5/14 यह है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 10 क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स हैं, ये मैंने कर रखे हैं, आपको कर लेना। ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसको फेयर कॉपी में करोगे आप सभी। थैंक यू।